Please subscribe to our channel. ये संभव है, सोच में पड़ गए ना, अपना मनपसंद घर कैसे? होमलिस्ट, होमलिस्ट पर आइए और अपना मनपसंद घर परचेज, सेल या रेंट से लीजिए अपनी नियर बाय लोकेशन पर और वो भी अपने बजट में। अधिक जानकारी के लिए लॉगिन करें www.homelist.co.in और कॉल ऑन 9303215006। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सुरेश भाटिया ग्लोबल प्रॉपर्टीज़ और होमलिस कंपनी इंदौर से। इस समय मैं हूं तेजाजी नगर बाईपास पर और मैं आज आपको विजिट कराने वाला हूं दोस्तों। एक सेटेलाइट वैली करके टाउनशिप है जो कि तेजाजी नगर स्क्वायर से 500 मीटर के डिस्टेंस पे है। उस कॉलोनी के अंदर हमारे पास कुछ 1000 स्क्वायर फिट के 3 प्लॉट्स भी आए हैं और एक इंडिविजुअल यूनिट्स भी आई है जो कि 1 BHK प्लस एक शॉप है। या आप उसको यूँ समझ लीजिए कि 2 बेडरूम हॉल किचन लेटबाथ की इंडिविजुअल यूनिट है। 15x50 के प्लॉट पर दोस्तों ये कंस्ट्रक्टेड है और इसकी जो सेलर की तरफ से डिमांड प्राइस है वो डिमांड उनकी 50 लाख रुपीज़ है, क्योंकि यहाँ पे 3 BHK की जो यूनिट है वो अराउंड 60-65-70 लाख रुपये में इस समय सेल हो रही हैं। तो चूँकि जो 6 लेन और 8 लेन का बाईपास है वहाँ से मात्र 500 मीटर की दूरी है, इस कारण जो उनकी डिमांड रेट है वो भी ठीक ही है लगभग। यहाँ पे अगर आप मैं दिखाऊँ आपको तो यहाँ पे एक सार्थक विहार करके एक टाउनशिप है ऑलरेडी बसी हुई और इसी रोड पे हम चलेंगे आगे यहाँ से 200 मीटर। जैसा कि आप देख रहे हैं ये इस समय सीमेंट की रोड बन चुकी है और आगे जाएंगे तो करीब 5-7 रेजिडेंशियल टाउनशिप्स और हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं, फ्रंट में आपका रामजी वाटिका फेज 1, फिर उसके पीछे सेटेलाइट वैली जहां मैं अभी आपको ले चलूंगा और उसके पीछे एक टाउनशिप और है जिसका नाम है रामजी वाटिका फेज 2 और उसके बाद एक और टाउनशिप आएगी मीर स्टेट के पीछे सेटेलाइट वैली सेटेलाइट एनएक्स पार्ट 1 पार्ट 2 और अगर हम मीर स्टेट से थोड़ा आगे चले तो रामजी वाटिका फेज 2 के पास में वाइब्रेंट ग्रीन करके एक टाउनशिप है, श्री कृष्ण वाइब्रेंट ग्रीन, वहाँ भी करीब करीब 3200 से 3500 रुपये स्क्वायर फीट के रेट इस समय दोस्तों प्लॉट के चल रहे हैं। तो अब आपका इंतजार लगभग यहाँ ख़त्म हो रहा है दोस्तों। ये देख रहे हैं आपकी येल्लो कलर का जो गेट है ये सेटेलाइट वैली फेज 1 का गेट है। यहाँ से हम अंदर चलेंगे और मात्र 100-125 मीटर की डिस्टेंस पर जो है वो वाला जो इंडिविजुअल मैं मकान आपको दिखाने वाला हूँ वो यहाँ पे आने वाला है। तो जैसा आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड पे इलेक्ट्रिक की लाइन डली हुई है, एसटी लाइन है, उसके नीचे पूरा गार्डन है और राइट हैंड पे भी तमाम सारे बड़े बड़े मकान से बने हुए हैं। अच्छी टाउनशिप है और काफ़ी सारे यहाँ पे घर बन गए हैं, मंदिर भी है। तो यहाँ से फर्स्ट राइट पे ही हम लोग टर्न करेंगे। ये देखिए फर्स्ट राइट लिया है मैंने। तो दोस्तों इसके अगर लेफ्ट में हम जाएंगे तो जो मैं आपको प्लॉट बता रहा था कि 1000 स्क्वायर फीट के प्लॉट्स हैं, तो ये देखिए सामने एक ऑटो खड़ी है। अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं यहाँ से तो ये जो ऑटो खड़ी है और एक झाड़ दिख रहे हैं उसी के पास में प्लॉट नंबर 105-107 नंबर रेट हैं, समय 4000 रुपये स्क्वायर फीट के रेट हैं दोस्तों। तो आइए मैं अब आपको अपने उस यूनिट पर ले चल रहा हूँ जहाँ पे वो यूनिट है। तो यहाँ से मैंने टर्न किया है, ये जो लेफ्ट हैंड पे आपको 2 शटर्स दिख रहे हैं उनमें से राइट हैंड का जो शटर है वो वाली यूनिट जो है सेल पे है दोस्तों। तो आइए हम इस यूनिट के अंदर चलेंगे और आपको दिखाएंगे कि आगे इसमें आपको जो है 2 BHK वाली जो शॉप है इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको कहा था कि अब हम यूनिट में चलेंगे और आपको हम विजिट कराएंगे कि इस 15x50 की यूनिट में हमें क्या मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक शॉप बनी हुई है यहाँ पे जिसका डायमेंशन अप्रोक्सीमेट कुछ 10x10 का है। तो शॉप है 100 फिट की और आप चाहें तो वो बेडरूम को भी समझ सकते हैं या फ्यूचर में एक दुकान डाल सकते हैं यहाँ पे। ये है इसका एंट्रेंस और यहाँ से ये पैसेज है अंदर जाने के लिए, यहाँ 2 व्हीलर पार्किंग वगैरह हम रख सकते हैं।
सबसे पहले ये जो मैं आपको शॉप दिखा रहा हूँ, ये शॉप है, या इसको बेडरूम के लिए यूटिलाइजेशन कर सकते हैं हम लोग। ये बाहर जाने का रास्ता है, यहाँ पे एक टैप दिया हुआ है अगर आपको गाड़ी वगैरह वॉश करना हो उसके लिए। और यहाँ से हम जब ऊपर जाएंगे तो ये छत है, अभी जो फर्स्ट फ्लोर है वहाँ पे कुछ भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया हुआ है, शेड जरूर लगा हुआ है जैसे कि आप देख रहे हैं। यहाँ पे एक कॉमन टॉयलेट मिल जाएगी आपको, बेसिन मिल जाएगी, और यहाँ पे इनका एक हॉल है जैसा कि आप देख रहे हैं। हॉल में ही इन्होंने डाइनिंग स्पेस डिज़ाइन किया हुआ है, ये देख रहे हैं वॉलपेपर वगैरह सब लगा हुआ है इसके अंदर। ये सामने विंडो है और ये फ्रंट में टीवी लगा हुआ है। अब मैं आपको यहाँ से किचन दिखाऊंगा, ये है इसका किचन। किचन अभी नॉर्मल है, ओपन टू स्काई है, रोशनी भरपूर मिलेगी आपको यहाँ पे। इसको आप चाहें तो मॉड्यूलर बना सकते हैं। और ये पीछे का एक बेडरूम है, इसमें भी लेट बाथ अटैच है। ये वेस्टर्न टॉयलेट है यहाँ पे, सामने वॉल पे वॉलपेपर लगा हुआ है और ऊपर स्टोरेज की भरपूर व्यवस्था है। इसमें जो फिक्स फर्नीचर है दोस्तों, जैसे कि आपकी टीवी की जो यूनिट है वो रहेगी इसमें, फैन ट्यूबलाइट भी छोड़े जा सकते हैं। और ये आपको मैं दिखाऊं, यहाँ पे इसका एडिशनल वॉश एरिया भी है, यहाँ पे आप वॉशिंग मशीन वगैरह जैसा चाहे रख सकते हैं, और ऊपर ओपन टू स्काई है। अगर इस यूनिट को परचेस करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे मोबाइल नंबर पर आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट चेकआउट करें www.homelist.co.in। अब हम आपको ऊपर जो है टेरेस की भी एक विजिट कराई देते हैं दोस्तों लगे हाथ। ये देखिए यहाँ पे इन्होंने काफी सारे प्लांटेशन किए हुए हैं। और धूप की बात करें तो धूप भरपूर आती है यहाँ पे। इसके अलावा ये फ्रंट में ये काफी सारे प्लांट्स लगा है। ये इसका फ्रंट है, सामने 30 फीट चौड़ी सड़क है। आसपास अगर मैं आपको दिखाऊं तो हरियाली बहुत है, काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। कुछ भी सवाल जवाब हो तो आप हमें डेफिनेटली कॉल करें, मैसेज करें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।